नमस्कार, वेब दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चक्रवात वायु आज गुजरात से टकरा सकता है। पिछले तीन दिनों से प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। गुरुवार को चक्रवात वायु से जुड़ी एक राहत वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब इसका असर पूरे राज्य पे नहीं बल्कि तटीय इलाकों पर ही दिखाई देगा। खतरा कम होने के बावजूद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सबसे ज्यादा ध्यान सौराष्ट्र पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को वायु के आने से पहले ही बुधवार शाम से ही इसका असर दिखना शुरू हो गया था। समुद्र के पास के करीब 500 गांवों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों को निकाला गया। गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट के मुताबिक अभी तक 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर पर भी इसका असर दिखा। बुधवार को वहां चली तेज हवाओं के चलते 3 शेड उड़ते हुए नजर आए। गुजरात में किसी भी तरह के नुकसान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने खाने के कई पैकेट भी तैयार किए हैं। अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो जिन लोगों को घरों से बाहर पहुंचाया गया है उनके लिए प्रशासन की ओर से व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि चक्रवात वायु को देखते हुए पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई ट्रेनों के रूट भी बदल दिए गए हैं। इस चक्रवात तूफान की वजह से कुल 110 ट्रेनें प्रभावित हुई है। चक्रवाती तूफान वायु के दौरान लोगों की मदद करने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ का हेल्पलाइन नंबर 9711077372 है। जामनगर कंट्रोल रूम का नंबर है 0288255304। द्वारका कंट्रोल रूम नंबर है 0283323215।